नाज़रीन, आइए आज मैं आपको मैंगो मिल्क शेक बनाने की रेसिपी देती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, जिन लोगों को नहीं बनाना आता उनके लिए तो ये ज़रूर मुश्किल ही काम होगा, लेकिन जब वो देखेंगे और बनाएंगे तो बहुत ईजी लगेगा। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंगो की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैंने फ्रेश मैंगो लिए हैं यहाँ पे दो, और मेरे पास सुबह के टाइम टाइम था तो मैंने इसको काट के फ्रीज कर लिया था ऐसे ही बाउल के अंदर रख के। तो आपने भी यही करना है कि अगर आप मज़े का मिल्क शेक थिक बनाना चाहती हैं तो पहले से ही इसको काट के, तो आप तकरीबन 2-3 घंटे पहले फ्रीज कर लें, या अगर ज़्यादा देर करना चाहती हैं जब आपके पास टाइम हो बस आपने करके तो इसको फ्रीज कर लें। तो दो मैंगो मैंने बहुत बड़े बड़े साइज के लिए थे, और शुगर मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन, ये देखिए फुल प्याली नहीं भरी हुई, आप अपने आइडिया से डालिएगा, कुछ लोग कम पसंद करते हैं कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और जो मिल्क है वो मैं इसके अंदर 4 ग्लास ये वाले मैं यूज कर रही हूँ, ये देखें, क्योंकि मैं 4 बंदों के लिए मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ तो मैंने 4 ही ग्लास जो है 4 ग्लास मिल्क ऐड करूंगी। और आइए आप चलते हैं हम मिल्क शेक बनाने की तरफ। तो वेरी सिंपल, बस आपने ये करना है कि ये मैंगो जो है आपने ये फ्रीज हुए हैं, ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, ठंडे भी। आपको इसमें ये है कि आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है तो आप इफ्तारी में ये मिल्क शेक बना सकती हैं। मैंगो आप सुबह में काट के रख लें और इफ्तारी के टाइम बस आप जल्दी जल्दी इसको तैयार कर सकती हैं। फिर इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 ग्लास दूध डाल दिया, मुझे आइडिया है इसलिए मैंने कभी नाप तोल के चीज़ें नहीं डाली। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ज़रूर नाप के डालिएगा। बस अब हम इसको आइस डालेंगी, या फिर अगर फ्रीज किए हुए आप मैंगो डालेंगी तभी ये ठीक तैयार होगा आपका, और मैंगो जो मिल्क शेक है वो ऑलवेज ठीक ही अच्छा लगता है। तो आपको